हेलो एवरीवन, एचडीएफसी का Q1 रिजल्ट्स अनाउंस हो चुका है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं उस पर। जून 21 क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक ने टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज में 6.09% ग्रोथ रिपोर्ट की है, लेकिन रेवेन्यूज 4.83% नीचे रहा ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। ईयर ओवर ईयर बेसिस पर ट्रेजरी इनकम ऊपर था, लेकिन रिटेल बैंकिंग रेवेन्यूज कम रहे और होलसेल बैंकिंग रेवेन्यूज मार्जिनली ऊपर थे। रिटेल बैंकिंग सिक्वेंशियल बेसिस पर काफ़ी नीचे था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 16.98% ऊपर रहा और ये नेट इंटरेस्ट इनकम में 18% ग्रोथ से ट्रिगर हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 37.29% से 41.12% तक एक्सपांड होते हुए नजर आया है। पैट 14.36% ऊपर और ये अदर इनकम में यानी लार्ज एक्सचेंज और डेरिवेटिव्स गेन्स में 27% के ग्रोथ के कारण था। 28.2% का शार्प स्पाइक देखने मिला प्रोविजंस और कंटिजेंसीज में। पैट मार्जिन ईयर ओवर ईयर बेसिस पर 18.88% से 20.35% ऊपर चला गया। डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए 13.2% तक और कासा में बढ़त देखने मिली 28.1% ईयर ओवर ईयर बेसिस पर। ग्रॉस एनपीएस 1.47% से ऊपर गया। एनपीएस स्पाइक का एक हिस्सा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से आया और ये पिछले कंपैरिजन से बढ़त दिखा रहा है 7.75% का। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्द मिलेंगे आपसे कुछ नए अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमारे 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड, बाय।